हेलो रिबॉन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार। आज एनर्जी बहुत कुछ कहने को है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत ही जल्द इनकी तरफ से मूवमेंट देखने मिलेंगे आपको। पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा असर है, फुल मून का, और स्पेशली आद्रा नक्षत्र में प्रवेश है तो इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा एक गहराई है। और स्पेशली एकदम कुछ बिखर के फिर नई शुरुआत की बहुत एनर्जी लाइक ना, ऐसा कि नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बट ये ना पूरी तरह बिखर रहे हैं, बिखर चुके थे या बिखर रहे हैं और उसके बाद पूरी नए से खड़े हो रहे हैं, लाइक ना नए से एकदम उनकी शुरुआत हो रही है अपनी खुद की लाइफ में। पॉसिबल है ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, इसीलिए ना ये जब इतनी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी से गुजर रहे हैं ना, इनका झुकाव या इनकी सोच आपकी तरफ ही रुक जाती है। थर्ड पार्टी के लिए ना इनकी एनर्जी मतलब जैसे कि किसी रिश्ते के लिए, किसी समाज के बंधन के लिए या फाइनेंसेस के लिए, या किसी भी रीज़न से ये अगर आपसे दूर हो गए थे, ये इन्होंने आपको नहीं चुना था, किसी और को चुना था, किसी सिचुएशन को चुना था या पर्सन को भी चुना था, तो अभी ऐसा लग रहा ना कि उस सिचुएशन में, इंसान में उन्हें कोई भी अटैचमेंट कहो या फिर अट्रैक्शन कहो, कोई फील नहीं हो रहा है। एक्सेप्ट जैसे खून के रिश्ते हैं, उतना ही मुझे फील हो रहा है कि अगर खून के रिश्ते हैं तो ही वो एक कनेक्शन फील होता है, कनेक्शन भी नहीं अटैचमेंट फील होता है, और अदरवाइज कहीं पे भी कनेक्ट ऐसा नहीं है। फिर वो उनके माता पिता हो या फिर उनके बच्चे क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लिए बहुत कुछ ऐसा फील करें ना कि भाई माँ बाप को, बच्चों को भूलकर बस आप ही हो, ऐसा नहीं है, बट आपकी अहमियत और आपकी रिस्पेक्ट या आपकी वैल्यू कुछ अलग है। इसलिए मैंने फील किया ना कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, इसे किसी ना ऐसे पर्टिकुलर साँचे में ढालना बहुत मुश्किल है कि चलो ऐसा कौन पर्सन है या ऐसा कौन सा रिश्ता है जो माँ बाप से ज़रूरी है या फिर बच्चों से ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बस आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू कुछ अलग ही है और काफ़ी ज़्यादा ये ना स्पिरिचुअली ही फील हो रहा है, स्पिरिचुअली। ये किसी बस ऐसा नहीं कि बस आप ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप करियर में भी ग्रो हो रहे हो, ये हो, ये सब एक बातें हैं, लेकिन अगर ये नहीं भी होता, ये सारी चीज़ें नहीं भी होती, तो बस आपका वो प्यार, आपकी पॉजिटिविटी और आपका जो एक ऑरा है ना, वो भी उनको उतना ही लेवल पे खींच रहा है। आप दोनों में ना डिफरेंस है, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ और नॉन ग्रोथ का। आप ग्रोथ ग्रो कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, और इनकी ग्रोथ है ना बिल्कुल हो नहीं रही है, या तो सब चीज़ें रुकी हुई है या तो इनफैक्ट उल्टा हो रहा है, लाइक ना लॉसेस की फीलिंग है। मुझे ना बैलेंस की एनर्जी नज़र आ रही है, बैलेंस तराजू नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपका पलड़ा भारी है, उनका पलड़ा नीचे है, और ये दोनों भी चीज़ें हो रही है ना, ये सारी चीज़ें ना एक क्या कहते हैं उसे, कर्मा की वजह से, क्योंकि आपने अपना कर्म किया है, आपने एक वक्त था कि आपने आप टूटे, आप बिखरे, आप रोए धोए,
उसके बाद है ना मुश्किल था, लेकिन आप धीरे धीरे से, अभी भी आप पूरी तरह हील नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं, आप अपने अपने आप को ना अपने आप को ग्रो करने में लगे हैं। पहले तो आपको बहुत वक्त लगा अपने आप को संभालने में, अभी आपकी ग्रोथ की एनर्जी है, संभाल आप चुके हो जितना हो सके, बट अभी आपकी ग्रोथ की एनर्जी है। और एग्जैक्टली उल्टा उनके साथ हो रहा है, मुझे लगता है एंजल नंबर 69 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर जो मिरर एंजल नंबर होते हैं 1001 हो या फिर 1221 हो, वो फील हो रहा है। ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं ना, लाइक सिर्फ एक फ्लर्ट एनर्जी के लिए नहीं है, सब फ्लर्ट इज़ लाइक बस एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना या कुछ है, बट एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन, मतलब जैसे कि कोई एक सोल की फीलिंग है, सोल की फीलिंग, मतलब इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल फ्लर्ट कि बस हाई हेलो मिल लिया, दिख अच्छे दिख रहे हो, ये हो वो हो, वैसे नहीं है। सिर्फ वो बात है तो फ्लर्ट इट्स लाइक होना ही है, बट बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है आपके लिए, इंटेंस। अगेन बार बार फील हो रहा है कि इनको देख के या इनका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इनकी जो बिहेवियर में है, इनकी हाव भाव है, इनकी जो बोलने का तरीका है, इनकी आँखों में जो बात है ना, आप देख के हैरान हैं कि आपको यकीन ही हो रहा है कि ये इंसान ही यही है क्या। इतनी समझदारी की, इतनी शांत होके ये बात कर रहा है, आपको सच में यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका कोई अगर मतलब होता ना तो ये जैसे फ्लटिशियस एनर्जी में होके कब के निकल चुके होते, या निकल मतलब आएंगे, निकल चुके होंगे पहले की तरह, बट अभी ऐसा नहीं है। ये मतलब ऐसा ना कि आपको बोलने दे रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं, और इन्हें आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन अचानक से आपके सामने खामोश हो रहे हैं, और ऐसा लगता है ना कि बस आपको सुनना है, आपकी आवाज़ सुननी है, आप आपकी एनर्जी जैसे अब्सॉर्ब करनी है। अगर ये हुआ नहीं है ना तो होने के चांसेस है, क्योंकि जो मुझे विजन में फील हो रहा है ना, मतलब ऐसा जैसे दिख रहा है कि ये इंसान, मतलब आप मिले हो, आप हैरानी से देख रहे हो, और ये इंसान आपको इस तरह से देख रहा है ना जैसे कि क्या खजाना मिल गया, यस हाँ खजाना मिल गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कि इन्होंने मतलब स्केयर ऑफ लूजिंग वाली फीलिंग है कि आपको खोने का डर है, बट समहाउ आपकी पाने की खुशी ज़्यादा है। पॉसिबल है ये ड्रीम भी आपको आया था या आ सकता है, क्योंकि ये इनकी एनर्जी है, ये इनकी एनर्जी है, जाने अनजाने में इनकी तरफ से ना मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, जैसे ना ये अकेले ना बड़बड़ाते हैं, जैसे कि आप सामने हो, आप से बात हो रही है, जैसे आप सामने हो, या फिर कोई गाना गुनगुना रहे हैं आपकी याद में। इट्स नॉट एक ही पर्टिकुलर ऐसा सॉन्ग नहीं है, ऐसे मल्टीपल गाने जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसान रोमांटिकली फील करता है। ये जो फील हो रहा है ना, ये स्पेशली रात की ही फीलिंग है, क्योंकि दिन भर ये इंसान है ना अपनी उलझनों में ही रहता है, उसे खुद के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिलती, और वो चाहते भी है कि वो कुछ सोचने समझने के काबिल ना रहे, बस रात को नींद आ जाए उस थक हार के। लेकिन ये जब रात को सो ही जाते हैं ना तो आपके ख्याल आते हैं, और ये अभी ना इन ख्यालों को रोकते नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हीलिंग देती है और बहुत खुशी देती है, इसलिए ना चैन की नींद आती है, चैन की नींद, खुश होके सोते हैं। ऐसा लगता है जैसे दूसरे दिन लड़ने के लिए इनको वो स्ट्रेंथ मिल जाती है। आएंगे ज़रूर, और अभी जो फुलमून है ना उसके आसपास ही होने के चांसेस हैं, काफ़ी अरसे से भी अगर बात नहीं हुई ना तो बात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, अचानक से मिल सकते हैं, और
बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग एनर्जी है. अगर आप कहेंगे कि एग्जैक्टली वर्ड्स में बताओ, इन्हें भी पूछेंगे, इनके पास शब्द नहीं है. इनकी खुशी, इनकी इमोशंस है ना, आपको इनकी आवाज़ में, इनके अंदाज में और इनकी आँखों में दिखेंगे. इनिशियल इनके सी हो सकता है, थ्री बर्थ नंबर हो सकता है, थ्री नंबर बहुत अच्छे से आया है. ई इनिशियल हो सकता है इनका, ईशान जो नाम है ना, ईशान ई हो सकता है. और आई है, वी है, डब्ल्यू है. जिस तरह मेरी Three of swords, six of swords. Six of cups. Okay. द जजमेंट. सो एक तो है चीज़ की जो भी हो रहा है ना, ये ईश्वर की, यूनिवर्स की मर्ज़ी है. और माना कि आपके कर्मा और उनके कर्मा और हर चीज़ काम में ही है, मतलब अलग है हर चीज़. जैसे आपके कर्मा है, आप वो भी है, जैसे अच्छे कर्मों का, आपके पेशेंस वगैरह सब चीज़ का, जैसे आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, ऐसी चीज़ है. क्योंकि मुझे एक जो लाइन और एक मैसेज है, वर्थ वेटिंग फॉर वाले, कि इंतज़ार करना तो बनता था और इंतज़ार का फल मीठा है. क्योंकि जिस तरह से इंसान बदल के आ रहा है वो अलग है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में ना बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ सहा है. अभी भी सह रहे होंगे, बट अभी रियलाइज़ हुआ है कहाँ पर जाना है. जैसे मैंने कहा कि मून के आसपास, यू नो, फुल मून के आसपास इनकी एनर्जी में ज़बरदस्त शिफ्ट है, ज़बरदस्त. और ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी फील हो रही है, इनका आना होगा. और मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनके. अचानक से सरप्राइजिंग एंट्री हो सकती है, अचानक से मिलने आ सकते हैं. और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है. और जैसे मैं सुबह की रीडिंग की थी ना, एग्जैक्टली वैसी एनर्जी है. आज की एनर्जी में जैसे कन्फर्म हो गया कि ये क्यों, ये इंसान ही क्यों है, ये इंसान आपको क्यों मिला है. अगर आपने ये रीडिंग देखी नहीं है जो मैंने सुबह डाली है, तो ज़रूर देखिए. शायद आपके कोई सवालों के जवाब आप मिल जाए, शायद आपको क्या करना है आपको पता चल जाए. इनका आना तो होगा, ज़रूर आएंगे. फ़िलहाल जो सिचुएशन है ना, इंसिक्योरिटीज़ तो है, फाइनेंशियल इंसिक्योरिटीज़ वगैरह. दिन भर फोकस रहता है कि लाइफ के प्रॉब्लम्स पे, स्पेशली फाइनेंसेस पे. लेकिन जैसे जैसे रात होती है ना, ये आपकी एनर्जी में डूब जाते हैं. ये इनकी एक हीलिंग का प्रोसेस है. तो ये रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स.